एक और नई भर्ती आ चुकी है और काफी अच्छी पोस्ट हैं, और CISF के अंदर फायरमैन और कॉन्स्टेबल की काफी अच्छी अपडेट है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो काफी हद तक आप लोगों को पसंद आने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखें, करीबन 1000 से अधिकतम इसमें पद जारी हो चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी इसका भरा जाना शुरू हो चुका है। फायरमैन है, कॉन्स्टेबल है, अगर खासकर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख सकते हैं। 29 जनवरी आज से इसका पहला फॉर्म भरा जा रहा है और मैं अभी लेटेस्ट इसकी जानकारी देने जा रहा हूं ताकि आप लोग इसमें अच्छे से आवेदन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैकेंसी एरिया एजुकेशन, और वैकेंसी एरिया एजुकेशन के तहत मैं एक और पुलिस विभाग या फिर कांस्टेबल की या फायरमैन की एक और नई अपडेट लेके आया हूं। इसकी बात करें तो ये पूरा विज्ञापन आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझें और अच्छे से इसमें आवेदन करने की कोशिश करें। यहां पे देखिएगा 29 जनवरी, 4 मार्च या इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इतने टाइम में आप लोगों को फॉर्म को जमा करना होगा। 42 पेज का पूरा एक फॉर्म है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेसर और सिलेक्शन प्रोसेसर लेकर एप्लीकेशन फॉर्म तक सारी जानकारी इसमें दे रखी है। तो ये देखिएगा, मैं सीधा लास्ट पेज पे आप लोगों को लेके आया हूं। इसमें एग्जाम सिलेबस कहां कौन कौन से राज्य से क्या होगा, कितनी पोस्ट निकली हुई, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पे दी हुई है। इसमें लिस्ट ऑफ मैक्सिमम जो आपका होगा जिसके अनुसार आप लोग एग्जाम दे पाएंगे या फिर जो पोस्ट होगी वो यहां पे अलग अलग राज्य से दी हुई है। बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या फिर और राजस्थान हो या फिर बॉम्बे, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, किसी भी राज्य से रहने वाले हो अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल इंडियन वैकेंसी है। फॉर्म की बात की जाए तो आप लोग इसमें फॉर्म ऑफलाइन ही भर पाएंगे, ऑनलाइन इसमें नहीं जमा करवा सकते। क्योंकि ये मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें फॉर्म भी दिया हुआ है 42 पेज के अंदर, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इसमें ऑफलाइन ही फॉर्म भर पाएंगे। अब रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन की भी जानकारी दूंगा, अगर इसमें होगी तो अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं पूरे विज्ञापन की बात करने से पहले मैं 2 लाइनें कहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे CISF के अंदर कॉन्स्टेबल और फायरमैन की पोस्टें हैं जिसके लिए आप लोगों को आवेदन करना होगा। इसमें बता दें कि आप लोग इसमें ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं फॉर्म को, और ये ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सबमिट किया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फीस आपको 100 रुपए देना होगा। 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से शुरुआत करें तो यहां पे देखेगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है। इसको आप फॉर्म भरने के बाद फिर फिजिकल होगा, फिर उसके बाद में OMRC यानी कि ऑफलाइन या कंप्यूटर बेस पे जो भी एग्जाम होगा उसके अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट होगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो यानी कि ये काफी लंबा चलने वाला है, तो ये भी चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध होगी इसका विज्ञापन और वहीं से आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब इसमें बात करें कौन कौन से राज्य से हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, ये सभी राज्यों से निकली हुई वैकेंसियां हैं। अब इसमें SC ST की कितनी पोस्टें हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। आप किस राज्य से हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 408489 के आसपास जनरल की है, OBC की, SC की, ST की, ऐसे करके 1100 पोस्ट इसमें अपडेट कराई गई है। आई होप कि ये चीज भी आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। इसी दौरान मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस के लिए तो 100 रुपए 18 से 23 वर्ष तक का विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसमें SC को और ST को 5 साल का, OBC NCL को यहाँ पे 3 साल की छूट दे रखी है। आई होप कि ये चीज भी आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। इसमें बात करें हाइट 170 के आसपास होगा, चेस्ट 80 से 85 के मैक्सिमम होगा, तो ये भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना होगा। इसमें महिला भी आवेदन करती है तो उनकी हाइट और ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें SC ST कैटेगरी का अलग से होगा, अलग से जैसे 75 के आसपास होगा, 165 हाइट होगी, और चेस्ट की बात करें तो 78 के आसपास होगी। क्योंकि ये बेसिक डिटेल है, ये आपको आवेदन करने से पहले सारी जानकारी लेनी होगी। उम्मीद करूंगा कि चीजें आप लोग खुद समझेंगे और खुद इसमें आवेदन करने की कोशिश करेंगे। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दूंगा जाके आप लोग इसमें आवेदन कर सकें और इसमें समझ सकें। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। उम्मीद करूंगा कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताएं, और इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नई भर्ती के साथ फिर वीडियो शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय।